भगवान श्रीनाथ जी आज विश्व में काफ़ी लोकप्रिय हैं और श्रीनाथ जी के कई भक्त हैं। आज आप देखें तो यूएसए में, यूके में जितने भी वैष्णव समाज हैं ये सब श्रीनाथ जी को ही मानते हैं और श्रीनाथ जी का बड़ा भारी महिमा है। बहुत पुरानी संस्कृति है श्रीनाथ जी के साथ जुड़ी हुई। आप देखें तो सूरदास जी जो भक्त कवि थे, कुंबन दास और जो अष्टसखा थे, ये सब भगवान श्रीनाथ जी का जब मंदिर ब्रज में जतिपुरा गांव या गिरिराजी बोलते हैं, उस गिरिराजी के पर्वत पर जब वो मंदिर बना था श्रीनाथ वल्लभाचार्य जी के द्वारा, उस समय गुसाई जी महाराज श्री विठ्ठलनाथ जी जो वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र थे, उस समय बादशाह अकबर का राज चल रहा था दिल्ली में और इधर वल्लभाचार्य जी की परंपरा में द्वितीय पुत्र श्री गुसाई जी, उनके द्वारा श्रीनाथ जी की मंदिर की सेवा वगैरह हो रही थी उनकी आज्ञा से। और उस समय वल्लभाचार्य जी ने चार सखाओं, अष्ट सखा, चार कीर्तन समाज को आयोजित किया था। उसमें सूरदास थे, कुंबन दास थे, बाद में श्री गुसाई जी ने भी चार भक्त कवियों को श्रीनाथ जी की सेवा में नियुक्त किया। तो ये बहुत पुरानी धरोहर है। हाँ, ये सब दिखाया जाएगा। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने किस तरह से श्रीनाथ जी को प्रकट किया, भगवान श्रीनाथ जी ने वल्लभाचार्य को आज्ञा दिया कि मुझे प्रकट करो। एक गाय जो श्रीनाथ जी को दूध पिलाती थी, अपने आप उसके थन में से दूध निकल पड़ता था, ये सब सीन, ये सब सच्ची कहानी जो भक्तों के साथ श्रीनाथ जी के अनुभव हुए, ये सब बातें बखूबी से और अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक की जो बातें हैं, जिसमें ज्ञान भी होगा, चिंतन भी होगा, संगीत भी उत्तम कोटि का होगा, कवित्व भी होगा, नृत्य भी होगा और भगवान श्रीनाथ जी की अनेक लीलाएं, महिमाएं भी इस फिल्म में होगी। शूटिंग से भी आप जाएंगे देखने की शूटिंग कैसी हो रही है, क्या हो रहा है? हाँ, जब भी समय मिलेगा तब हम जरूर, और ये जनक भई और पूरी ये जो डायरेक्टर की सबकी टीम है, ये बहुत बार सलाह लेते हैं। स्टोरी राइटिंग में भी हमने सलाह दी है, उसका जो दिग्दर्शन होगा, किस तरह से वेशभूषा प्राचीन, यानी जितनी भी ओरिजिनलिटी है, उन ओरिजिनलिटियों का ध्यान रखते हुए बहुत गंभीरता पूर्वक ये फिल्म का निर्माण है। आज के युग में, आज की यंग जनरेशन है, यूट्यूब वाली जनरेशन है, ये सब फिल्में देखने आएगी? अवश्य आएगी, क्योंकि आज भी हम जब विदेश में जाते हैं, अमेरिका, लंदन, अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज में, कितने हमारे वैष्णव के बच्चे, यंगस्टर्स बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसी फिल्मों के माध्यम से आज जबकि चारों तरफ अशांति फैली हुई है, चारों तरफ एक देश दूसरे देश को धमकियां दे रहा है, ऐसे माहौल में अगर व्यक्ति को सच्ची दिशा मिले, अच्छी प्रेरणा मिले और अच्छा गाइडेंस ऐसी स्पिरिचुअल फिल्मों के द्वारा मिले, तो व्यक्ति झगड़ा छोड़ प्रेम करने लगेगा। तो मैं निश्चित मानता हूं कि आज के युग में युवा भी चाहता है कि वो शांत बने, युवाओं में जितनी निर्दोषता है, युवाओं में जितनी धर्म की भावना है, अब धीमे धीमे बढ़ रही है, मैं मानता हूँ।